भक्त देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है, उसे कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। दोस्तों, ये बातें तो लगभग हम सभी जानते हैं, लेकिन ये शायद आप नहीं जानते होंगे कि तुलसी विवाह में जो दीपक लगाया जाता है उसको लगाने का क्या विधान है। तुलसी विवाह में दीपक को हमें किस तरीके से लगाना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी का सदैव हमारे घर में वास रहे और उनका आशीर्वाद हमें सदैव ही मिलता रहे, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुंच सके। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किसी भी पूजा को संपूर्ण करने के लिए दीपक का होना अति आवश्यक है, और उसमें भी यदि लक्ष्मी पूजा हो या फिर आपने तुलसी विवाह रखा हो या फिर आपके घर में नवरात्रि के लिए दीपक आप प्रज्वलित कर रहे हो तो ये दीपक का महत्व और भी कई गुना ज़्यादा हो जाता है। दीपक को खास तरीके से यदि आप प्रज्वलित करते हैं तो आपको आपकी पूजा से कई गुना ज़्यादा बढ़कर परिणाम मिलते हैं, कई गुना ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे क्यों इस तरह से हम दीपक लगाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फल मिले और इस दीपक में ऐसा खास क्या है, तो दीपक का मतलब भी हम जानेंगे। तो दीपक को लगाने का हम सबसे पहले तो तरीका देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें बनाना है चौका, यानी कि किसी भी चीज़ को बनाने से पहले हमें उस भूमि पर उस जगह पर जो है चौके लगाने पड़ते हैं। पुराने समय में आपको भी शायद ऐसा याद होगा कि हमारी माँ हमारी नानी चाची ऐसा करती थी, तो चौका लगाना अति ही आवश्यक है। अभी तो पक्के के घर हो गए हैं तो चौका लगाना मुश्किल होता है, तो मैंने ये जो है टाइल्स हमारा है तो टाइल्स पर हम चौका लगा लेंगे। तो चौका हमने रोली से ही लगाना है, ये देखिए, क्योंकि हमारी जो टाइल्स है वो सफ़ेद कलर की है, उसे इस तरह से रोली को हमने क्या किया है पानी से हल्का गीला कर लिया है और चौकोर आकार का हमने इस तरह से चौका बना लिया है। चौका को हम सूखने देंगे अच्छी तरह से ताकि इसके ऊपर हम सूखी रोली का डस्ट कर लें, तो हम चारों ही तरफ से अच्छी तरह से इसे लाइनअप कर लेते हैं ताकि चौका देखने में अच्छा लगे। ये देखिए रोली से डस्ट कर लिया है और पूरी तरह से ये ड्राई हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर हल्दी से जो है इस तरह से अष्टदल कमल बनाएंगे। दोस्तों अष्टदल कमल को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह साक्षात महालक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार भी अष्टदल कमल में माँ लक्ष्मी अपने 8 स्वरूपों में विराजमान रहती है, इसलिए जहाँ भी अष्टदल कमल होता है वहाँ सुख संपन्नता पैसा वैभव और संपत्ति स्वतः ही खींची चली जाती है। अष्टदल कमल देवी लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। विष्णु पुराण में स्वयं माँ लक्ष्मी ने कहा भी है, इस कमल में मैं स्वयं अपने जीवंत रूप में विद्यमान रहती हूँ। आप सभी ने इस बात को देखा भी होगा कि महालक्ष्मी से जुड़े हुए जितने भी यंत्र प्राप्त होते हैं उनका मूल आधार जो होता है वो अष्टदल कमल ही होता है। इसकी पूजा करने से श्री सूक्त और कनक धारा स्रोक्त के लाखों पाठ करने के समान जो है फल मिलता है। दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे क्यों अष्टदल कमल इतना खास होता है। तो अष्टदल कमल बनाने के बाद हमें बीच में डाल देना है अक्षत यानी कि चावल, जिसे हल्दी से हमने पहले ही रंग कर रखे हुए थे। उसके बाद हमें लेना है एक पान का पत्ता, अच्छी तरह से आप उसे धोकर साफ कर लें और पान के पत्ते पर अष्ट गंध से मैं लिख रही हूँ श्री। आप चाहे तो उसे हल्दी से भी लिख सकते हैं या फिर कुमकुम से भी आप उसमें श्री लिख सकते हैं। ये महालक्ष्मी का बीज मंत्र होता है, इसके द्वारा महालक्ष्मी जो है वो खींची चली आती है, तो महालक्ष्मी जो है इस तरीके से हमारे घर में वास करती है। श्री को पान के पत्ते में लिखने के बाद हम दोनों ही साइड इस तरह से लाइन खींच देंगे। ये लाइन जो होता है संपूर्णता का प्रतीक होता है और उसके ऊपर हम डालेंगे रंगे हुए चावल, साथ ही थोड़े से फूल हमने डाले हैं और अब इसके ऊपर हम दीपक को बैठाएंगे। दीपक को हमने पहले से ही हल्दी और कुमकुम से तिलक कर लिया है, ये देखिए। इसके साथ ही हम इस पर डालेंगे 2 साबुत लौंग, लौंग याद रखें कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, और 1 कपूर डालेंगे, थोड़ी सी शक्कर आप डाल दें, शक्कर मैंने पहले ही डालकर इसमें रख छोड़ा है। दीपक को प्रज्वलित कर लें और फिर अब आप इस दीपक को तुलसी विवाह के लिए प्रयुक्त करें, उसके तुलसी विवाह के तुलसी पूजन के लिए आप इस दीपक का उपयोग करें और वहीं पर आप लगाएं। दीपक का जो मुख होता है उसको उत्तर दिशा की तरफ करके रखें। दोस्तों इस तरह से किया गया पूजन जो है महालक्ष्मी स्वीकार करती हैं। महालक्ष्मी जो है तुलसी जी के हर पत्ते पर निवास करती हैं,
तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आप इस तरीके से तुलसी विवाह को संपूर्ण करें। यदि आपके घर में तुलसी विवाह नहीं भी होता है तो भी आप इस तरीके से दीपक को प्रज्वलित करें, आपकी पूजा स्वीकार की जाती है। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।